यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। महापौर जी जब से चुनकर आए हैं वे शहर का मालिक अपने आप को समझ बैठे हैं और शहर की बेशक कीमती ज़मीन को बड़े भूमाफियाओं को बेच रहे हैं। महापौर जी ज़मीन बेच रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है। इसका मतलब साफ है कि नगरी प्रशासन मंत्री और महापौर जी दोनों मिलकर षड्यंत्र कर साजिश के तहत इस शहर की बड़ी ज़मीन को बड़े भूमाफियाओं को बेच रहे हैं। महापौर की जो नीति है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उनका जो सोच है वो विकास का नहीं है बल्कि विनाश उनकी सोच है और इसीलिए इस प्रकार की हरकत लगातार उनके द्वारा की जा रही है। हमने भी जमीनों को बेचा जा देखिए अखबार में बड़ी ही बेशर्मी के साथ डूमर तराई के ज़मीन को बेचने का विज्ञापन निकाला गया है और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि करोड़ों की ज़मीन को बेचने का विज्ञापन निकाला गया है मगर उससे जो राशि आने वाली है उस राशि को वो किस कार्य में खर्चा करने वाले हैं ये तय नहीं है और इसकी जानकारी हमें नहीं दी जा रही है। शहर की जनता का जीवन स्तर ऊँचा उठाने के बजाय महापौर जी शहर की जनता को धोखा दे रहे हैं, उनके साथ छल और कपट कर रहे हैं। हमने भी 15 साल विकास देखा है, बहुत सारे जो निर्माण कार्य हुए चाहे वो इंडोर स्टेडियम का निर्माण हो, चाहे संस्कृत कॉलेज में स्विमिंग पूल बना हो, चाहे सेंट्रल लाइब्रेरी बनी हो, हमने ये जो शहर की का जो नाम रोशन हो रहा है वो विकास कार्यों को भी हमने देखा है मगर जैसे कि हमको आशंका थी वही शहर में हो रहा है। महापौर की नीति और नियत दोनों ठीक नहीं है। वे रायपुर शहर की जनता के साथ छल कर रहे हैं और आज ये जो प्रदर्शन है वो हम जनता को बताने के लिए ही कर रहे हैं कि आपके साथ छल और धोखा हुआ है, जनता इस धोखेबाजी का जवाब जरूर देगी।